नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। जो लैपटॉप के मदरबोर्ड पे कंपोनेंट लगे होते हैं, मैं आज आपको उनकी टेस्टिंग बताने वाला हूँ। और उन पे जो रेजिस्टेंसों पे या फिर उस पे जो सिंबल बने होते हैं, वो सिंबल आपको पहचान के कैसे किस तरीके से पहचानना है आपको कि क्या चीज़ है ये, तो आज के वीडियो में आपको मैं वो सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज के साथ आप अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और एक तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कंपोनेंट की टेस्टिंग सीखेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मदरबोर्ड पे कंपोनेंट जो लगे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, ताकि आपको जब नाम पता होगा तभी आप उस आगे की टेस्टिंग सही से समझ पाएंगे। तो हम पहले कंपोनेंट समझ लेते हैं, कंपोनेंट का क्या नाम है और उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो आपको कंपोनेंट दिखाते हैं वो आईसी बता देते हैं कि आईसियाँ क्या होती हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट बड़ा होता है और आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है और क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, एक आईसी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ पहले इसको। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको एक आईसी दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी आईसी है। इसको मदरबोर्ड पर कंट्रोलर बोलते हैं, ये आईओ कंट्रोल होता है। इसी से जो पूरे मदरबोर्ड की जो सर्किट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसी से जो है सिग्नल आते हैं और आउट भी होते हैं। ये पूरा सब काम ये करता है कि किसको क्या काम करवाना है, वो सारा काम इसी का होता है। इसी पर सिग्नल आता है तभी आगे कमांड भेजता है। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी ये लगी हुई, ये भी लगा, ये भी एक आईसी है, ये आईसी है, ये इस तरीके से जो है ये भी एक आईसी लगी हुई है, तो ये एक आईसी लगी है इस तरीके से। दोस्तों ये जो छोटी छोटी जो लैगें, बहुत सारी लैगें लगी होती हैं जिस कंपोनेंट में, वो लगभग सारी आईसी ही होती हैं। उन सबको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब ये जो क्या होता है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उनको मिला करके सब सर्किट को कंबाइन करके एक आईसी बनाई जाती है। तो इस अगर कंट्रोलर आप देख रहे हैं तो इस कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारे सर्किट होंगे, जो सारे मिला करके आपको एक सर्किट तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये हमारी आईसी होती है जो सारा फंक्शन करती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीन लैग के कंपोनेंट हैं कुछ यहाँ पर, ये यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये कंपोनेंट दोस्तों बिजली क्या है, ये ट्रांजिस्टर भी होते हैं, मॉसफेट भी होते हैं, तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। और ट्रांजिस्टर और मॉनिटर जो है, मॉसफेट वगैरह दोस्तों एक डायोड के कैटेगरी में आते हैं। ये बिजली का एक स्विच का काम करते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक स्विच होता है, सप्लाई या तो भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा, तो इस तरीके से जो स्विच होते हैं तो उस तरीके का ये काम करते हैं। ये सब ये मॉसफेट हो गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं इस तरीके के जो कंपोनेंट हैं आपके, ये इस तरीके के जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट हैं सारे। मैं अभी इसको जो दिखाऊंगा आपको कि इंटरनल इनका लॉजिक सर्किट किस तरीके का होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी मॉसफेट ही होते हैं, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर ही होते हैं। बाकी इनकी टेस्टिंग में भी बताऊंगा इनको टेस्ट कैसे करना है। उसका दोस्तों बात करते हैं हम जो है, ये देखिए इस तरीके के, ये आपको वाइट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर हैं। ये इस तरीके के वाइट जो लगे होते हैं, ये कैपेसिटर होते हैं, इनको कैपेसिटर बोलते हैं। इस तरीके जो कैपेसिटर हैं ये सारे, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, पास में करके शायद आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। ये देखिए आपको अब दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये जो है कैपेसिटर हैं, ये आपके ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब कैपेसिटर के बाद बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस की। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो है ये रेजिस्टेंस हैं आपके, जितने सब कंपोनेंट लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये जो कंपोनेंट होते हैं आपके, मैंने आपको मॉसफेट बताया, आईसी बताया और ट्रांजिस्टर बताया, इन्हीं सबको मिला करके आईसियाँ भी बनती हैं। ये सारे कंपोनेंट यही कंपोनेंट लगे होते हैं पूरे मदरबोर्ड में, हर मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट लगे होते हैं, सब में अलग अलग नहीं होते। उसका दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप ये देख रहे हैं, ये एक क्रिस्टल होता है, आपको ये बताएंगे क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, ये इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं। और भी तरह के क्रिस्टल होते हैं, मैं दिखाता हूँ, इसमें एक दो क्रिस्टल और लगे होंगे अलग अलग टाइप के। तो दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये भी एक क्रिस्टल है। तो मैं क्रिस्टल की एक पिक्चर आपको इस पर लगा दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो ये देखिए, ये भी क्रिस्टल है, और देखिए और भी, मतलब लगभग जो है मदरबोर्ड पे आपको ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल हो गया, आईसी हो गए, मॉसफेट हो गए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, यही मिलकर के सारा पूरा सर्किट बनता है। यही जो कैपेसिटर, यही चीज़ें होती हैं जो सबके पूरे सर्किट में लगी होती हैं और अलग अलग तरीके के अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग फंक्शन करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, कि आपको जो कंपोनेंट हैं वो आपको कैसे पहचानने हैं और कैसे टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं सिंबल की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि जो लैपटॉप में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन पर क्या लिखा होता है, किस तरीके से उसमें सिंबल बने होते हैं, या फिर सिंबल बनते हैं, या फिर उसमें अगर कोडिंग लिखी है तो वो क्या लिखी है, किस तरीके से आप पहचानेंगे।
तो चलिए दोस्तों, हम पहले सबसे पहले हम आईसी की बात कर लेते हैं कि आईसी के ऊपर जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, आईसी को कैसे पहचानेंगे कि ये आईसी है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि जैसे कि आप एक नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है आपका, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक ये लिखा हुआ U5401, यानी कि जो 5401 है वो इसका पार्ट नंबर है और U जो है वो इसका सिंबल है, यानी कि जो U लिखा हुआ है वो इसका सिंबल है। U जो जहाँ पे लगा हुआ है वो मान लीजिए कि वो एक आईसी है, यानी कि U से जो जिस भी कंपोनेंट को U से बताया जा रहा है कि U लगा करके, तो वो जो है वो एक आईसी हो सकता है, यानी कि U इसका सिंबल है कि U एक आईसी है, ठीक है। और अगर बात की जाए, देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये PAD लिखा हुआ है, यहाँ एक PAD लिखा हुआ है, तो PAD का मतलब होता है दोस्तों डायोड होता है, जहाँ भी D लगा होगा तो वो एक डायोड होगा दोस्तों। अगर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जहाँ भी रेजिस्टेंस लगी है, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का नंबर लिखा नहीं है, या जिस भी मदरबोर्ड पे आप वैसे रेजिस्टेंस तो देख के ही पहचान सकते हैं, रेजिस्टेंस का कोई वो नहीं होता। और बाकी अगर किसी मदरबोर्ड पर लिखा होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस पे R लिखा होगा, उसको R से सिंबलाइज किया जाएगा कि जहाँ भी R लिख करके पीछे नंबर दिया गया होगा तो वहाँ पर वो रेजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से दोस्तों कैपेसिटर की बात की जाए, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ भी देखो कैपेसिटर पर कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर जो है आराम से पहचान में आ जाते हैं, उसको उसकी फेस देख करके, उसको मतलब देख करके आप पहचान सकते हैं कि एक कैपेसिटर है। बाकी अगर किसी मदरबोर्ड पर लिखा होगा तो वो सी लिखा होगा, जहाँ भी दोस्तों अगर सी लिखा हुआ, सी लिख करके नंबर लिखे हुए तो वो कैपेसिटर होंगे दोस्तों, कैपेसिटर को सी से। तो इसी तरीके से दोस्तों आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये जो क्यू से बने हुए हैं, ये क्यू बना हुआ है, क्यू का मतलब दोस्तों ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर मॉस्फेट वगैरह सब जो क्यू से बताए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ भी क्यू लिखा होगा और नंबर लिखे होंगे तो वो या तो ट्रांजिस्टर होगा या फिर मॉस्फेट होगा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी और भी इसमें कुछ कोडिंग और लगा दी जाती है इनको डिफरेंस बताने के लिए, तो वो आगे जो मदरबोर्ड और देखेंगे आप तो उसमें आपको मिलता जाएंगे कि क्या क्या तरीके से वो बताए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये कनेक्टर देखें तो कनेक्टर को जो मदरबोर्ड पर CN के नाम से बताया जाता है, वो अलग अलग तरीके के बोर्ड पे अलग अलग तरीके के सिंबल भी बताए जाते हैं इनके लिए। बाकी जो असेंबली कंपोनेंट होते हैं दोस्तों उनको तो एक ही तरीके से बताया जाता है, रेजिस्टेंस को R कहते हैं, कैपेसिटर को C कहते हैं, ट्रांजिस्टर को Q कहते हैं, IC को U कहते हैं, क्रिस्टल को X कहते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों बताया जाता है। बाकी मदरबोर्ड जब आप काम करेंगे, मदरबोर्ड देखेंगे तो आपको उस वहाँ पे पता चलता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की कि इनको टेस्ट कैसे करना है, क्या तरीका होता है इनको टेस्ट करने का, तो मैं दोस्तों वो भी आपको बताता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए हमें एक तो मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको पता ही है ये हमारा पास मल्टीमीटर हमारा रखा हुआ है, यहाँ मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर अब हम बात करते हैं मल्टीमीटर पे, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे लगा के चेक करनी है, बाकी इस वीडियो में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से चेक करना है। दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर हो गया ऑन। अब मान लीजिए ये जो ओम का जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है मल्टीमीटर के ऊपर, अब हम यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं दोस्तों, इस सिंबल के ऊपर हम जो है रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस होती है वो सारी रेजिस्टेंस हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो क्या करना है कि आपको मल्टीमीटर को ओम पे लगा लेना रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, और दोस्तों ये दो प्रोब है इसकी, दो इसकी प्रोब है। अब हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस के दो पोल होते हैं, ठीक है, एक नंबर दो नंबर। अब हमें दोनों ये प्रोब है दोनों साइड पर लगा के रेजिस्टेंस के दोनों पोलों पे, और फिर उसकी कंटिन्यू लेनी होती है कि यहाँ पे कितनी कंटिन्यू दिखा रहा है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, अभी कोई रेजिस्टेंस मैं लेके आता हूँ यहाँ पर के लिए। तो मैंने यहाँ जूम कर लिया दोस्तों यहाँ पे, अब आपको मेरा मल्टीमीटर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, सॉरी मल्टीमीटर दिखाऊँ या आपको बोर्ड दिखाऊँ, मैं थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हूँ कि कैमरा थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है। दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ी समस्या होती है, आपके लिए एक वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और आप वीडियो देख करके लाइक भी नहीं करते, तो एक कम से कम एक लाइक तो कर दिया कीजिए इतनी मेहनत के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये पिक्चर में भी दिखाता हूँ, बाकी मैं दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस आपको कैसे चेक करनी है। देखिए रेजिस्टेंस जब भी हम रेजिस्टेंस के ऊपर दोनों पॉइंट पर एक अपना प्रॉब लगाते हैं, जब हम प्रॉब लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर में कुछ रेटिंग दिखाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीमीटर में जो है आपको एक रेटिंग दिखा रहा है 33 की दिखा रहा है, 33.2 ओम। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पहले होल्ड कर देता हूँ, देखिए मैंने आपको होल्ड का फंक्शन बताया था, तो मैंने इसको होल्ड कर दिया, देखिए होल्ड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये देखिए यहाँ पे जो क्या दिखा रहा है ये मल्टीमीटर 33.3 ओम, यानी कि आप ये कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस एक ओम की रेजिस्टेंस है, समझे दोस्तों। रेजिस्टेंस तीन उसमें आता है, ओम में होगा, किलो ओम में होगा, मेगा ओम में होगा, ज़्यादातर मेगा ओम तक ही रेजिस्टेंस होती है
इससे आगे हम कभी टेस्ट नहीं करते। तो ये रजिस्टेंस इस तरीके से होंगे। अगर कोई रजिस्टेंस आपकी ओम में है तो इस तरीके से वैल्यू शो करके जो पीछे है वो ओम दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रजिस्टेंस चेक करने का तरीका है। आपको रजिस्टेंस इस तरीके चेक करनी है। बाकी रजिस्टेंस की देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको सर्किट पे ही पता लगेगी, आपकी सर्किट में कौन सी रजिस्टेंस लगी है और जो रजिस्टेंस शो कर रही है वो वैल्यू क्या शो कर रही है। कई बार रजिस्टेंस खराब आती है तो वैल्यू उसकी जो है बढ़ जाती है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि रजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा अपने दिमाग के अंदर कि रजिस्टेंस अगर ओम 33 ओम है, अगर ये खराब होगी तो ये आपकी 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 ओम हो सकती है, 1K बन सकती है, 1 मेगा ओम बन सकती है रजिस्टेंस। लेकिन 33 से नीचे कभी ये रजिस्टेंस नहीं जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं होती है ना उसकी वैल्यू डाउन होती है, वैल्यू हमेशा उसकी बढ़ती है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखे कीजिए जो मैं बताता हूँ अपने वीडियो में। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, आज जो है हमने बता दिया कि आपको रजिस्टेंस ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैपेसिटर आपको कैसे चेक करना है। तो सेम जैसे रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं वैसे ही कैपेसिटर भी चेक करते हैं। आपको दोनों पॉइंटों पे लगाना है, जो भी कैपेसिटर है उसके दोनों पॉइंट पे लगाना है और अपना जो मल्टीमीटर है उसको जो है आपको फेराड मोड पे सेट कर देना, ये एफ पे सेट कर देना और यहाँ पे आपको अपने कैपेसिटर चेक करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैपेसिटर हम चेक करेंगे यहाँ पे लगा करके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो कैपेसिटर पे लगा करके, ये कैपेसिटर पे लगा करके यहाँ इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगी और पीछे अगर वो नैनो फेराड है या फिर मेगा फेराड है तो वो पीछे शो करेगा। बाकी दोस्तों कैपेसिटर का मैं आपको एक सिंपल चीज़ ये बताऊंगा कि जब भी आपको कैपेसिटर पे डाउट हो, लगता है कि आपको कैपेसिटर ख़राब है, कैपेसिटर पे डाउट है, तो आप कैपेसिटर को जो है अपने सर्किट से रिमूव कर लीजिए। रिमूव करके अलग से उसको चेक करिए, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू कभी भी आपको मदरबोर्ड के ऊपर शो नहीं करेगा सही सलामत, वो हमेशा गलत वैल्यू शो करेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कैपेसिटर मेल्ट दिखाई दे रहा है या फिर सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कुछ कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है कैपेसिटर के अंदर, तो आप उसको बड़े ईजी आराम से निकाल लीजिए, कैपेसिटर को बाहर निकाल करके फिर मल्टीमीटर से आप चेक करिए, तब वो यहाँ पर जो आपकी जो शो करेगा यहाँ वैल्यू वो शो कर देगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। फिर आप उसको अपने स्मैटिक या सर्किट में देख लीजिए उसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर लगी हुई, तो उसके हिसाब से अपने उसी वैल्यू का कैपेसिटर आप वहाँ पर लगा सकते हैं और फॉल्ट को अपने ईजी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं डायोड को कैसे चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायोड के लिए पहले तो हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट कर लेंगे। डायोड मोड पर सेट कर लिया हमने और अब हमें क्या करना है, डायोड को चेक करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ डायोड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। ये जो है डायोड है बेटा, ये 2 पिन का डायोड है, मतलब कि ये इसमें सिर्फ 2 पिन है, 3 नहीं है। बाकी जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं ये डायोड में ही आते हैं, लेकिन इसमें 3 पिन है, यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज जाएंगे। मैं इसको अलग से चेक करने का तरीका बताऊंगा आपको। ये डायोड है, देखिए पहले तो हमने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें इसके दोनों पिन पर लगाना है, लगाएंगे दोस्तों। देखिए अगर जब एक तरफ लगाएंगे आपको तो यहाँ पर इसकी वैल्यू शो करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे जो मल्टीमीटर की रीडिंग है वो कुछ ना कुछ यहाँ शो करेगी, जितने भी जो भी वैल्यू इसकी होगी वो शो करेगा। अब हम इसको बैक लगाएंगे, फिर जो पूरा भाई उसको चेंज करके यहाँ लगाएंगे, फिर चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डायोड की जो है हमेशा सिंगल साइड पे बोलता है दोस्तों, दूसरी साइड पे कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो डायोड को चेक करने का तरीका दोस्तों यही है। जब भी आप डायोड चेक करेंगे तो डायोड को इसी तरीके चेक करेंगे, डायोड हमेशा एक सिंगल टाइप पे दिखाता है, दूसरी तरफ डायोड नहीं दिखाएगा। एक तरफ उसकी वैल्यू शो करेगा, दूसरी तरफ वैल्यू नहीं शो करेगा। रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो उसमें दोनों साइड पे शो करेगा सेम वैल्यू। कैपेसिटर चेक करेंगे तो कैपेसिटर पे भी सेम वैल्यू दोनों साइड से शो करेगा, अगर वो SMD कैपेसिटर है तो। ठीक है दोस्तों, तो डायोड को इस तरीके से हमें चेक करना होता है, क्योंकि डायोड पे एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, तो वो इस तरीके से आपको मल्टीमीटर पे चेक कर लेना है कि एक साइड उसको बोलना चाहिए और एक साइड उसको नहीं बोलना चाहिए। तो अगर इस तरीके से डायोड अगर आपका शो कर रहा है तो मान लीजिए डायोड आपका सही है, अगर मान लीजिए दोनों साइड पे वो कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है तो फिर डायोड खराब है। तो आप क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए अपने सर्किट बोर्ड से उसको निकाल के बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के उसको चेक करेंगे बाहर भी उसकी कंडीशन क्या है। अगर बाहर निकाल करके अगर वो एक साइड पे बोल रहा है दूसरी साइड नहीं बोल रहा है तो डायोड आपका सही है, अगर दोनों साइड पे कुछ कुछ वैल्यू दिखा रहा है तो डायोड आपका खराब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने MOSFET की, कि हम MOSFET कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ दिखाते हैं MOSFET। ये देखिए दोस्तों, यहाँ MOSFET लगा हुआ है और MOSFET को भी सिंपली दोस्तों चेक करने का तरीका भी वही है जो हमने डायोड चेक करने का तरीका है, वही तरीका MOSFET को चेक करने का, क्योंकि वो भी एक अंदर से एक डायोड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो इसके स्मैटिक पर दिखाता हूँ कि स्मैटिक पे किस तरीके का डायोड दिखाई देता है अंदर से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का डायोड दिखाई देता है आपको अंदर से, और आपको चेक करने का तरीका भी वही है कि आपको MOSFET जब देखेंगे तो MOSFET के साइड में एक तरफ 4 पिनें होती हैं और दूसरी तरफ भी 4 पिनें होती हैं, जिसके अंदर 3 पिनें एक साइड होती हैं और एक पिन एक सिंगल पिन अलग होती है। तो यहाँ पे देखो देखो, यहाँ पे एक जो होता है आपका सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है और एक गेट होता है,
जो गेट होता है वो इस मॉसफेट को कंट्रोल करता है कि सप्लाई यहाँ से यहाँ तक कितनी भेजनी है, किस फ्रिक्वेंसी में भेजनी है सप्लाई, वो गेट कंट्रोल करता है। इसको स्विचिंग के तरीके के ये काम करता है मॉसफेट, जैसे स्विच होता है, स्विच में ये गेट लगा हुआ है, गेट ही कंट्रोल कर रहा है कि स्विच को ऑन करना है ऑफ करना है, वो सब गेट का काम होता है। वो आपके आगे जब आप काम करेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको इस चीज़ के लिए। तो हमें इसको भी सेम इसी तरीके चेक करना है डायोड मोड पे, ये एक तरफ बोलना चाहिए और दूसरी तरफ इसको कोई वैल्यू नहीं शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ जिस तरीके से कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो बस सेम इसी तरीके से आपको डायोड चेक करना है कि एक तरफ वैल्यू शो करेगा, दूसरी तरफ वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रही है तो डायोड आपका मॉसफेट खराब हो चुका है। और जब सर्किट पे आप काम करेंगे तो गेट वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा गेट पे कैसे चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना मॉसफेट भी चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर भी इसी तरीके से चेक करने होते हैं। ट्रांजिस्टर में दोस्तों क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को हमें ये देखना होता है कि ट्रांजिस्टर किस टाइप का ट्रांजिस्टर है सर्किट बोर्ड में, तो उसी हिसाब से हमें इसको चेक करना होता है। बाकी ट्रांजिस्टर भी ये होता है, ट्रांजिस्टर जो पिनें बोल रही होंगी एक साइड वहाँ पर वैल्यू आएगी, सेम उसी पिनों पर हम अगर चेक करेंगे लगा करके तो वहाँ वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी एक साइड पे डायोड लगा होता है, दूसरी साइड जो इसका बेस होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है उस स्विच को, क्योंकि एक मॉसफेट का ये कह सकते हैं मॉसफेट का छोटा वर्जन होता है एक ट्रांजिस्टर। जैसे मॉसफेट पे गेट कंट्रोल कर रहा होता है, उस तरीके से एक ट्रांजिस्टर के ऊपर एक बेस लगा होता है जो कलेक्टर एमिटर को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो दोस्तों ये हमारे तरीके हो गए इन सब कंट्रोल चेक करने के। बाकी आईसी दोस्तों, आईसी मल्टीमीटर से बहुत कम चेक हो पाती है दोस्तों, आईसी मल्टीमीटर चेक नहीं होती है। आईसी के लिए हमें क्या होता है कि हमें उसकी इनपुट सप्लाई पता होनी चाहिए, फिर उसकी आउटपुट सप्लाई पता होनी चाहिए, और वो आउटपुट सप्लाई किस सिग्नल से कंट्रोल हो रही है वो सब हमें पता होना चाहिए, तो उस तरीके से ये चेक हो जाती है। बाकी आईसीयां जो है मैंने कभी चेक नहीं करी है, लेकिन वो कहते हैं इससे सीआरओ वगैरह से वो चेक होती हैं कि आईसी अगर चेक करिए तो आपको पास सीआरओ होना चाहिए, सीआरओ से आपको आईसी की सॉर्टिंग वगैरह ये सब पता चल जाती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो इनबिल्ट प्रोसेसर होते हैं ये भी मल्टीमीटर से पता नहीं चलते हैं, इनको भी चेक करने के लिए जो है सीआरओ वगैरह या फिर मशीन वगैरह और होती होंगी, वो मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, तो मैं इसलिए आपको इसके बारे में आपसे कुछ नहीं बताऊंगा। तो इसी तरीके से हमें ये भी चेक कर लेने हैं। तो यही तरीके हैं दोस्तों हमारे कंपाउंड चेक करने के। बाकी दोस्तों एक और कंपाउंड रह गया जो मैंने बताया था, क्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल भी तरीका यही है कि क्रिस्टल जब आप चेक करेंगे दोस्तों तो क्रिस्टल को भी बाहर निकाल के चेक करेंगे, आपका सर्किट बोर्ड के अंदर क्रिस्टल चेक नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि क्रिस्टल आपका खराब हो गया है या फ्रिक्वेंसी नहीं बना रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के क्रिस्टल को दोनों पिनों पे मल्टीमीटर का प्रोब लगा के चेक करना है। वो दोस्तों इसको हमें चेक करने के लिए अपना इसी पे रखना पड़ेगा, ओम वाले पे यहाँ रख के इसको चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ना क्रिस्टल के आप किसी भी साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी शो नहीं दिखानी चाहिए, क्रिस्टल टोटली ओपन दिखाना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू अगर शो नहीं कर रही है तो मान सकते हैं क्रिस्टल ठीक है, अगर कुछ भी वहाँ पर शो कर रहा है, कोई भी एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो क्रिस्टल जो आपका हो चुका है खराब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्रिस्टल। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट जिस किस तरीके से चेक करने हैं मैंने वो बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।